आपके एक इशारे पे आपके लिए काम करने के लिए आपके पीछे 100 लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। उनको ठुकरा के इतनी भारी बारिश में अगर आप मुझे ढूंढते हुए आए हैं तो मैं समझ सकता हूं मैटर कितना सीरियस है। बोलिए बादशाह आपके लिए क्या कर सकता है। राज्य भर में जीतने वाले उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर हमें जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल पर काम शुरू करना होगा। विपक्षी पार्टी कोशिश करे उससे पहले हमें ही उनको खरीदने की कोशिश करनी है। आज इस उम्र में भी इतने सालों से मैं एक विपक्ष की पार्टी ही चला रही हूँ बादशाह, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए सरकार तो हमारी ही बननी चाहिए बादशाह। आपकी बात सही है मैडम, लेकिन इस दरमियान सरकारी पार्टी से मिला हुआ वो गुंडा दुर्गा हमारी तरफ आने वाले इंडिपेंडेंट्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इसकी क्या गारंटी है? काटने वाले कुत्ते को बांध के रखते हैं, इसीलिए इस बार उसके ऊपर नॉन बेलेबल केसेस लगवा कर उसे जेल में बंद रखा है। इसका मतलब हमारे लिए कोई खतरे की बात नहीं है ना मैडम? इस काम को अंजाम देने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना है बोलिए मैडम। सेंट्रल जेल में एक कैदी है, दस आदमियों को जेल भेज कर उसे मरवाना होगा। नाम क्या है उसका? दुर्गा। He is the most dangerous animal. उसे मुझ पे छोड़ दीजिए मैडम, मैं देख लूंगा।
ये जेल है, कोई पबजी खेलने का ग्राउंड राउंड नहीं, समझ गया? बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों मारा उन लोगों को? नजरें नीची करो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे मुन्ना, नहीं तो मेरे बारे में तुम जानता नहीं हो, सीधे तिहाड़ जेल में फेंक दूंगा। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो, इसे ले जाके सेल में डाल दो। जेलर साहब। क्या हुआ बादशाह, बात क्या है? मैं अपने 10 छोकरों को आपके जेल भेज रहा हूँ। इस बार किसे टपकाना है? दुर्गा नाम है उसका। दुर्गा बोले तो वो सरकारी पार्टी का आदमी है ना? हाँ साहब, वही है। उसको उड़ाने के लिए अपोजिशन वालों से कितना लिया है और उसमें मेरा कमीशन कितना है? हमेशा की तरह आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेट में इस बार भी हमारी सत्ता आने वाली है, इसलिए कल मेरे फार्म हाउस पर आप सबके लिए एक पार्टी रखी है। हेलो सर, सीएम सर। सेंट्रल जेल से जेलर मधुसूदन बोल रहा हूँ सर, आपको एक खास बात बताने के लिए ही मैंने फोन किया। क्या बात है, बोलो। जेल में आए हुए आपके लोगों को मारने के लिए अपोजिशन वालों ने सुपारी दिया है सर। अगर आपको आपके लोगों की जरूरत नहीं है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आपको इनकी जरूरत अभी भी है तो अपनी जान पर खेलकर भी मैं उन्हें बचा लूंगा। अब आप बताइए, आप किन लोगों को मैं बचा लूं या फिर उनके हवाले छोड़ दूं? मुझे जरा 10 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है सर, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। हेलो मामा, बोलिए। जेल में दुर्गा को उड़ाने के लिए ऑपोजिशन वाले प्लान कर रहे हैं, वो अभी भी हमारे लिए कोई काम का है क्या? अरे मामा, अब पूरा काम उसी के हाथ में है मामा। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वो पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी, तो फिर वो हमारे किस काम का रहेगा? इस बार जैसा आप सोच रहे हैं, सत्ता हमारे हाथ में नहीं है मामा, 70% उन्हीं के फेवर में है। ये बात तुझे कैसे पता? इलेक्शन सर्वे रिपोर्ट्स में वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है मामा। अगर वोट्स काउंटिंग में भी वो हमसे आगे निकले तो हमें कुछ और एमएलए की जरूरत पड़ेगी मामा। अब उनको धमका के डरा के हमारी पार्टी में लाने के लिए हमारे लिए दुर्गा ही लास्ट ऑप्शन है मामा। एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी हैव टुडे। और हमारे धंधे में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और हमें अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो किसी भी हाल में हमें दुर्गा चाहिए मामा। इलेक्शन रिजल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं होते, जेल में मेरे आदमी का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। लेकिन आपके आदमियों को प्रोटेक्ट करना है तो बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो सकता है सर। वो मैं देख लूंगा। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है सर। क्या डाउट है? आपने दुर्गा को मरवाने के लिए पैसे लिए थे ना, अब बचाने के लिए पैसे ले रहे हैं। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पागल कहीं, इसी को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स बोलते हैं और हमारी भाषा में बोलते हैं राजनीति, समझे? ये लोग फिर से जेल में आ गए ना, अब लगता है जेल में कोई बड़ा कांड होने वाला है। उसे कब मारने का सोचा है? हो सके तो आज ही। आज छोड़ देना, कल विजिटिंग आवर्स है, मुमकिन नहीं होगा। परसों मारने का प्लान बनाओ। ठीक है फिर। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, दुर्गा को मारने के लिए मैं तुम लोगों को आधे घंटे का टाइम दे सकता हूँ। आधे घंटे में ही काम निपटाना होगा, और अगर नहीं मार सके तो उसे दोबारा मारने का मौका नहीं मिलेगा। जाओ। आगे चल।
परेशानी क्या? तेरे से बात करे ला रे, समझ में नहीं आता भाई क्या बोल रहा है। ए, देखना एक बार देख मुझे। मेरे बारे में तुम जानता नहीं हो, सीधे तिहाड़ जेल में फेंक दूंगा। तुझसे मिलने कोई आया है? मिल ले। तो निकल, मैं बाद में। ध्यान रख अपना। शिवा, भावना कैसी है? देखा, अभी याद आई ना तुझे उसकी? मुझे लगा तू भूल गया था। वो दुर्गा वॉशिंग एरिया में है, बिना गड़बड़ किए उसे टपका देना। Yeah!
इनको इनके सेल में डाल दो। हाँ जेलर साहब। यो बादशाह, तुम और 10 लोगों को भेजोगे ना तो भी जेल में उस दुर्गा को नहीं मार सकोगे। क्या हुआ जेलर साहब? क्या हुआ है? तुमने जिन 10 लोगों को भेजा उन्हें उसने कुत्ते की तरह पीटा। मुझे तो लगता नहीं है उनमें से एक भी जिंदा बचेगा। आइंदा जेल के अंदर ऐसी बचकानी हरकत मत करना, जेल के बाहर ही निपटाओ। प्लानिंग जेल के बाहर करो। रखो फोन। आपने जो यकीन मेरे ऊपर किया था मैं उसे निभा नहीं पाया मैडम। आप ये गन लीजिए मैडम, इस गन से मुझे अभी इसी वक्त यहीं पे मार दीजिए, नहीं तो मुझे एक और मौका दीजिए, मैं खुद जेल में जाकर उस दुर्गा को मारूंगा। अगले हफ्ते इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर रिजल्ट मेरी फेवर में नहीं आए तब बताऊंगी कि तुम्हें किसको मारना है। मेरा नाम दुर्गा है। सूर्या। कल मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हारे बारे में सुना था, तुम किसी मर्डर केस में जेल आए हो। सूर्या, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कहो, मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकता हूँ और तुम्हारे ऊपर जितने केसेस हैं वो सब मिटा सकता हूँ। वो कैसे? मेरी सरकार में अच्छी जान पहचान है, अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो कहो, हमारी पार्टी सत्ता में आते ही तुम्हारे ऊपर से सारे केसेस हटवा दूंगा। तुम सच में मेरे ऊपर से वो केस निकलवा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स। हेलो, मैं दुर्गा बोल रहा हूं। बोलो दुर्गा। यहां जेल में मैं एक आदमी से मिला, किसी छोटे मोटे मर्डर केस में अंदर आया है, लेकिन उसकी हिम्मत अलग ही लेवल की है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो हमारे काम आएगा? बेशक वो हमारे काम आएगा भाई। ठीक है, इस बार इलेक्शन रिजल्ट्स अगर हमारे फेवर में नहीं आए तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। ठीक है भाई, तब मैं मामा से बात करके तुम्हारे साथ उसको भी बाहर लाने का प्लान करूंगा। देखो सूर्या, ये सोसाइटी नहीं बदलेगी, ना ही जनता। ये 100 साल के इतिहास में तुम्हें कभी लगा है कि वोट डालने का तरीका बदला है? हमें क्या लेना है सूर्या, मेरी बात सुन, ये सब अभी से छोड़ दे। देखो शिवा, जैसा तू बोल रहा है ये समाज नहीं बदला होगा, पब्लिक ने वोट देने का तरीका भी नहीं बदला होगा, लेकिन पब्लिक को पालने वाले नेता लोगों को हमें बदलना है यार। 40 दिन के इंतजार के बाद हुआ पर्दाफाश, जीते हुए उम्मीदवार जश्न मना रहे हैं तो हारे हुए उम्मीदवार उसकी वजह ढूंढने में जुट गए हैं। जनता के वोट ये बता रहे हैं कि उन्हें किसी से कोई बैर नहीं। दोनों मेजर पार्टियों को इलेक्शन में लगभग एक समान वोट मिले हैं। राज्य के पूरे 120 असेंबली सीटों में से सरकारी पार्टी को 48 सीट मिले हैं, वहीं ऑपोजिशन पार्टी को 52 सीट मिले हैं, बाकी 20 सीटें इंडिपेंडेंट एमएलएस को मिले हैं, और वो ही तय करेंगे कि राज्य में सरकार किस पार्टी की बनेगी। अब उनमें से कितने लोग कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे, राज्य की सत्ता कौन सी पार्टी को जाएगी, ये सब जानने के लिए शक्ति परीक्षण होने तक सबको इंतजार करना। ये क्या है सर, इस बार ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे सर? इस बार भी गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी।
मैडम इस बार सरकारी पार्टी से आपकी पार्टी लीड में है, इस बार में आपका क्या कहना है? जनता को अब हमारे ऊपर यकीन आ गया है, इसलिए इस बार हमारी पार्टी लीड में है। थैंक यू। श्यामला भारती जी, सीएम श्यामला भारती जी की, 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 सीएम श्यामला भारती जी की। मैडम, सीएम राममोहन राव जी का फोन आया है। बोलिए एक्स सीएम राम मोहन राव जी, कैसे लगे आपको इस बार के इलेक्शन के नतीजे? इस बार 4 सीट आपको ज्यादा मिली है, ऐसा सोचकर ये मत समझिए कि जीत आपकी हुई है। मिस श्यामला भारती जी, आपको सरकार बनाने के लिए आपकी पार्टी को और 10 एमएलए की जरूरत है। अगर 10 एमएलए को खरीद लिया तो भी 10 दिन के अंदर शक्ति परीक्षण के लिए उनका वहाँ होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर है कि आपकी पार्टी को मेरी पार्टी से भले 4 सीटें ज्यादा आई है या मेरी पार्टी को 4 सीटें कम आई है, तो भी आखिर में असेंबली में आपकी जगह हमेशा की तरह विपक्ष में ही रहेगी, ये बात मत भूलिएगा मिस श्यामला भारती जी। ठीक है राम मोहन राव जी, इस बार संसद में हम विपक्ष में रहेंगे या आप विपक्ष में रहेंगे देखते हैं। गुड लक। ये जानते हुए कि हमारी पार्टी लीड में है, ये राम मोहन राव कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हमारी पार्टी जीत नहीं सकती। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी पीठ पीछे साजिश हो रही है। हम एक लीडिंग पार्टी है, हमें हमारी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उन 20 इंडिपेंडेंट्स को हमारी पार्टी में लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। हमें उन 20 लोगों को जल्द खरीदना होगा मैडम, और उसका केवल एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? अनंतगिरी में 20 साल से ना हारने वाले कल्याण प्रसाद को हमें सबसे पहले खरीदना होगा मैडम। उसी को क्यों? वही किंग मेकर है मैडम, जितने भी 20 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वो सब उसी के हाथ में रहते हैं। तो फिर जल्द से जल्द बुलवाइए उसे। कल्याण प्रसाद को फोन करके कहो कि तुरंत मेरे फार्म हाउस पर आकर मुझसे मिले। ओके? ठीक है सर। लगता है सब लोग आ गए हैं, तेरी वजह से ही लेट है। हाँ रुको रुको। नमस्कार मैडम। मैडम डायरेक्टली पॉइंट पर बात करेंगे, इससे दोनों का टाइम बचेगा। मैं भी सीधे पॉइंट पर आकर बात करूंगी। आपके 20 एमएलए को हमारी पार्टी को समर्थन देना होगा, इसके लिए आपके एक एक एमएलए की कीमत बताइए। एक एक एमएलए ने अपने मतदान क्षेत्र में जीतने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक एक एमएलए को 100 करोड़ दे दीजिए। क्या मतलब? एक एक एमएलए को 100 करोड़? मतलब इसके हिसाब से 20 एमएलए को 2000 करोड़? हाँ मैडम। इतना क्यों? मार्केट में आजकल रेट बहुत बढ़ गए मैडम। एक जमाने में खाना पकाने का तेल 100 रुपए लीटर मिलता था और अब 230 रुपए हो गया है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना। वैसे जनता के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए जैसे चीजों के दाम बढ़ गए हैं वोटर्स ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं मैडम। एक टाइम पे 1000 रुपए में मिलने वाले वोट अब 5000 में मिलते हैं। यहाँ कोई भी कैंडिडेट को देख के वोट नहीं डालता मैडम, वो वोट डालता है कैश देख कर ही। मतलब आपके एमएलए को हमारी पार्टी को समर्थन देना है तो आपको 2000 करोड़ देने होंगे, सही कहा? 2000 करोड़ नहीं मैडम। तो फिर? 2500 करोड़। मतलब 2500 करोड़ रुपए? यस। वो 500 करोड़ किसके लिए? वो मेरा कमीशन है मैडम। आपका कमीशन 500 करोड़ है? जी मैडम, मैं आपको कोई प्याज टमाटर थोड़ी ना बेच रहा हूँ। इस राज्य की सत्ता 5 साल के लिए दे रहा हूँ आपको, इसके बदले में एक छोटी सी 500 करोड़ की रकम कमीशन लेने में कोई गलती नहीं है मैडम। सत्ताधारी पार्टी का फोन, अगर मेरा प्रपोजल आपको जमता है तो फोन काट दूंगा, और नहीं तो इस बार फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी, सोच लीजिए। सर, कल्याण प्रसाद जी मेरा कॉल कट कर रहे सर। फिर से ट्राई करो। ओके सर। The number you have dialed is reached
सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। ठीक है, उसे वॉइस मैसेज भेज दो। ओके, श्योर सर। आपने 2,500 करोड़ मांगे जो मैं दे रही हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शक्ति परीक्षण वाले दिन हमारे 20 MLA आपके पीछे दुम हिलाते हुए चलेंगे। आप जहाँ साइन करवाएंगे वहाँ करेंगे। अब आप CM पद की शपथ लेने के लिए तैयारी कीजिए मैडम। लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना है। वो क्या है मैडम? आपने मुझसे हाथ मिला लिया है, ये खबर राम मोहन राव को जरूर पता चल जाएगी। हमें हमारे MLAs को सेफ रखना होगा, इसलिए उन सभी MLAs को राम मोहन राव से सेफ रखने के लिए मैंने बेंगलुरु में एक स्टार होटल पूरा बुक कर लिया है। शक्ति परीक्षण होने तक वो सारे उधर ही रहेंगे। आपके MLAs के साथ हमारे MLAs को भी मिलाकर उधर भेजेंगे तो वो सब साथ में वहाँ सेफ रहेंगे। आपकी बात सही है मैडम, पर उस राम मोहन राव के डर से सिटी से इतनी दूर बेंगलुरु में MLAs को रखने की जरूरत नहीं है मैडम। वो क्या है ना, शहर के बीचों बीच मेरे कंट्रोल में एक जगह है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये 10 दिन हम अपने MLAs को वहीं छिपाएंगे तो टाइम भी सेव होगा और अपने लोग अपने ही साथ हैं ये भरोसा भी रहेगा। लेकिन उतनी सेफ प्लेस इस सिटी में कहाँ है? सॉरी मैडम, शक्ति परीक्षण होने तक उस जगह के बारे में मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर आपके MLAs के साथ हमारे MLAs को भी आपकी बताई हुई जगह पर भेजूंगी। देखना कोई भूल ना हो। ओके मैडम। सत्या। हाँ सर। सर, श्यामला भारती जी ने कल्याण प्रसाद जी को 2,500 करोड़ में खरीद लिया। अब हमारी हालत क्या होगी सर? हमारी सरकार गिर गई क्या? सर, इलेक्शन में मैंने 100 करोड़ खर्च किया, अब मेरा क्या होगा सर? परेशान होने की जरूरत नहीं है, शक्ति परीक्षण में अभी टाइम है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। आपकी बात मुझे समझ आ गई, अभी मुझे क्या करना है बोलिए। अनऑफिशियली किसी भी हालत में दुर्गा मुझे जेल से बाहर चाहिए, चाहे जितने भी पैसे लग जाएं। तुरंत जेलर से बात करके काम को अंजाम दो। ठीक है मामा, पर एक रिक्वेस्ट है। बोलो क्या है? दुर्गा के साथ एक और आदमी को जेल से बाहर निकलवाना है मामा। कौन है वो? उसका नाम है सूर्या। उसकी गट्स, उसकी हिम्मत, वो अलग ही लेवल की है। हो सकता है, लेकिन किसी भी अनजान आदमी के ऊपर इस तरह से आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। मेरा यकीन कीजिए मामा, हमारे गवर्नमेंट को गिरने से बचाने के लिए इस ऑपरेशन में दुर्गा से ज्यादा वो ही एक्टिवली काम करेगा। ठीक है, अगर तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो काम खत्म हो तो इन दोनों को फिर से जेल में डाल दूंगा। मैं भी उससे जरूर मिलना चाहूंगा। हेलो मैडम, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ बोलिए। जेल से दुर्गा भाग गया है, अपने MLAs को संभालिए। इनको अभी छोड़ के आपने वो पार्टी को इन्फॉर्मेशन क्यों दे दिया सर? वो लोग आपस में लड़के मरेंगे तो ही ना हम जैसे लोग सेफ रहेंगे। आज रात यहीं पर रुकना, कल सवेरे 8 बजे मामा से मीटिंग हो सकती है, कॉल आते ही यहां से निकल जाना। मैडम, कल रात ही मैंने अपने सभी लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया है और यहाँ वो सारे लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। वो ठीक है, पहले मेरी बात सुनिए। बोलिए मैडम। सरकारी पार्टी वाले जेल से उस दुर्गा को बाहर लेकर आए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आई है। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे। हाँ? लेकिन हमारे सभी MLA सेफ रहने चाहिए। मैडम, दुर्गा जैसे 10 लोग भी जेल से बाहर आ जाए ना तो भी हमारे MLA कहाँ है पता लगाना मुश्किल है। फिर भी सामने वाली पार्टी प्लान कर रही है तो इसका मतलब हमें संभल के रहना है। आप टेंशन मत लीजिए, शक्ति परीक्षण होने तक उनको ही नहीं आपको भी आपके MLAs कहाँ है पता नहीं चलेगा, ऐसा प्लान किया है। ठीक है, जो भी करो संभाल कर। इलेक्शन रिजल्ट के बारे में इस बार भी मेरा अंदाजा गलत निकला, लगता है सत्ता हाथ से जाने वाली है। तुम दोनों को क्या करना है ये तुम सोचो, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाएं, लेकिन उस श्यामला ने जिन 20 इंडिपेंडेंट MLAs को खरीदा है वो किसी भी तरह मुझे चाहिए। तुम लोगों का क्या प्लान है बताओ, क्या करोगे?
उन सबको किडनैप करेंगे सर। किडनैप? हाँ सर, 20 एमएलएस को किडनैप करना तुम्हें स्कूल के बच्चों को किडनैप करने के जैसा लग रहा है क्या? 20 एमएलएस नहीं सर, ऑपोजिशन एमआईयू को मिलाकर पूरे 72 एमएलएस हैं सर। क्या 72 लोग? आपकी पार्टी से जीते हुए 48 एमएलएस के साथ पूरे 120 एमएलएस को आपके बेंगलुरु वाले फार्म हाउस में बिना बंदी बनाए इस बार आप सीएम नहीं बन सकते हैं सर। ऑपोजिशन एमएलएस तक तो ठीक है, लेकिन हमारे एमएलएस क्यों? वो तो हमारे ही लोग हैं ना। राजनीति में सब कुछ हो सकता है सर, सब कुछ जायज है। सत्ता का पलड़ा जिस तरफ है वो उस तरफ चले जाएंगे। यहां जीतने से ज्यादा सत्ता जरूरी है सर। अभी की सिचुएशन में अपने एमएलएस को हमें ही बचाना है सर, इसलिए हमें उनके साथ हमारे एमएलएस को भी बंदी बनाना ही होगा सर। तुम्हारा प्लान सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन अपोजिशन एमएलएस को किडनैप कैसे करोगे? ये मुमकिन है क्या? सत्ता की जंग हर कोई जीतना चाहता है, पर जीत सिर्फ एक की ही होती है और उसी को वीर कहते हैं। मैंने आपको जिसके बारे में बताया था ये वही है सर। तो जरा बताओ कि शुभ काम का मुहूर्त कब है? इस शुक्रवार को ही आपके सभी एमएलएस को बस में बिठा के दुर्गा को सौंप दीजिए। दुर्गा उनको बेंगलुरु हाईवे के एक ढाबे पर लेकर आएगा। इसी बीच ऑपोजिशन के सभी एमएलएस को किडनैप करके लाने का जिम्मा मेरा होगा। गुड, तुम्हारे प्लान के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मुझे अच्छा लगा। इस बैग में 2 करोड़ है, इसे सिर्फ एडवांस ही समझो। जैसा सोचा है अगर काम वैसा ही हुआ तो तुम्हारे ऊपर जितने भी केस हैं उनको हटाने के साथ ही इस तरह के कई बैग्स तुम्हें मिलेंगे। इस बार भी आप ही सीएम पद की शपथ लेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। कल्याण प्रसाद के फोन का लास्ट कॉल लोकेशन कल रात 11 बजे का गुलजार हाउस में दिखा रहा था, तभी से लेके अब तक वो किसी के टच में नहीं है। तो फिर वो पक्का गुलजार हाउस में ही है? हाँ बोलो। मैडम आपके लिए एक बैड न्यूज है, गुलजार हाउस में ठहरे हुए आपके सभी एमएलएस को सत्ता वाली पार्टी के लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फौरन उनको वहां से कहीं और शिफ्ट करवाइए, नहीं तो सीएम नहीं बन पाएंगी। लेकिन तुम कौन हो? आपका हितैषी हूं। चलिए बैठिए आप लोग अंदर। बोलिए मैडम। कहाँ हैं आप? मैं नहीं बता सकता। मैं सीरियसली कुछ पूछ रही हूँ, उसका सीधा जवाब दीजिए। मैं भी सीरियसली ही बोल रहा हूँ मैडम, नहीं बता सकता। आप सब गुलजार हाउस में हैं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कैसे मैडम? गूगल मैप पे भी सर्च करने पर इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलता। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सरकारी पार्टी वालों को भी पता है कि आप सब कहाँ छुपे हो। अब क्या करें मैडम? उनके वहाँ पहुँचने से पहले निकलो वहाँ से और अपने साथ सभी एमएलएस को वहाँ से शिफ्ट कर दो। लेकिन अभी के अभी इतने एमएलएस को कहाँ शिफ्ट करेंगे मैडम? मैं बस भेज रही हूँ, मेरे बेंगलोर वाले रिसोर्ट में शिफ्ट हो जाओ। समझ गए तुम? समझ गया। जी मैडम। बादशाह तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए मैडम। हमारे सभी एमएलएस को हम अर्जेंटली एक बस से बैंगलोर रिसोर्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी बस सेफली बैंगलोर पहुंचे तब तक तुम्हें उसे फॉलो करना है। ठीक है मैडम। तुरंत अपने आदमियों के साथ बैंगलोर हाईवे पर वेट करो। ओके मैडम। हेलो मैडम, मैं ट्रैवल एजेंसी का बस ड्राइवर बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ पहुँचे तुम? मैं बिल्कुल सही लोकेशन में पहुँच गया हूँ मैडम। ठीक है, हमारे लोग वहाँ आएंगे, वेट करो। ठीक है मैडम। हाँ बोलिए मैडम। बस आ गई है, आप सब तुरंत वहाँ से निकल जाइए। ठीक है मैडम, बस आ गई है, चलिए सब लोग बस में बैठिए।
सब लोग बस पे चढ़ गए मैडम, अभी निकल सकते हैं क्या मैडम? ओके मैडम। बोलो सूर्या। दुर्गा, हमारा प्लान सक्सेस हुआ, अब सभी एमएलएज मेरे कब्जे में हैं। तुम हाईवे के ढाबे पे वेट करो, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके। क्या रे, कुछ पता? बोली मैडम। बस निकल गई है और थोड़ी ही देर में बैंगलोर हाईवे एंटर करेगी। अगर कोई भी हमारी बस को फॉलो करता हुआ दिखे तो उसे वही मार देना। मैडम, हमारे एमएलएस की बस अभी सामने से क्रॉस हो गई है। तुम ध्यान से हमारी बस को फॉलो करना, ठीक है? ठीक है मैडम। ए चलो रे। हाँ मैडम, अभी हमारी बस हाईवे के बाजू में एक ढाबा के पास रुकी हुई है। नाइट जर्नी है ना बाशा, चाय कॉफी पीने के लिए रुके होंगे, अब इतना भी फोन करके बताओगे? मैडम मैडम, अब क्या हुआ बाशा? हमारे बस के पीछे ही एक और बस आके रुकी है। और एक बस? हाँ मैडम, देखने में तो सरकारी पार्टी की एमएलए की बस लग रही है। क्या, सरकारी पार्टी के एमएलए की बस? हाँ मैडम, पक्का उन्हीं लोगों की बस है मैडम। सच में? लेकिन उनकी बस वहाँ क्यों आई है? पता नहीं चल रहा मैडम, जैसे हम अपने एमएलएज को बैंगलोर भेज रहे हैं, वैसे ही वो अपने एमएलएज को शायद किसी सेफ जगह पर भेज रहे होंगे। हो सकता है, फिर भी दोनों बस एक ही जगह पर एक ही समय पर, ये कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो बादशाह, हमारे एमएलएज की बस वहाँ से सुरक्षित निकल जाए, तब तक उनकी बस पर तुम कड़ी नजर रखना। ठीक है मैडम। हमारे बस ड्राइवर ने सरकारी पार्टी के बस ड्राइवर दुर्गा को मार के उनकी बस को भी हमारे बस ड्राइवर ही ड्राइव करके ले जा रहे हैं मैडम। व्हाट? उनकी बस को हमारे ड्राइवर क्यों ले गए हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को फोन करके पता लगा लूंगी, पहले तुम हमारी बस को फॉलो करो। ओके मैडम। हेलो मैडम। अनवर, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लोग आके मुझे मार के हमारी बस को लेके गए मैडम। बोली मैडम। बादशाह, वो लोग अपने ड्राइवर नहीं है, कोई क्रिमिनल्स हैं। उनका पीछा करो, स्टॉप देम राइट नाउ। ठीक है मैडम। बोलिए श्यामला जी, इस वक्त कैसे याद किया? बड़े रिलैक्स्ड मूड में लग रहे हैं आप। एक शॉकिंग न्यूज सुनाऊं आपको? बताइए क्या है वो। अभी तक मैंने सोचा कि संसद में आपके और मेरे बीच में स्पर्धा है, लेकिन हमारी इस स्पर्धा में किसी तीसरे ने एंट्री ली है। उसने क्या किया है, अगर ये आपको बताऊंगी तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो तीसरा कौन है और उसने क्या किया है ये आप बताएंगी, तभी तो पता चलेगा कि मुझे बड़ा झटका लगेगा या नहीं। जेल में से आपने एक जानवर को बाहर निकलवाया मिस्टर राव, उस जानवर को मारकर उस तीसरे ने हमारे एमएलए के साथ आपके एमएलए को भी किडनैप करके वहाँ से भाग गया है मिस्टर राव। अगर मुझे पता चला कि उस तीसरे और आपके बीच में कुछ कनेक्शन है, तो मेरी एक बात याद रखना, आपका पॉलिटिकल करियर मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी मिस्टर राम मोहन राव। क्या हुआ मामा? उस दुर्गा को कॉल कर। वो फोन नहीं उठा रहा है। उसके फ्रेंड को कॉल कर। मैं
मेरे पॉलिटिकल करियर में ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी पर यकीन करके धोखा खाया। बोल कौन है तू? बोला था ना, ये सत्ता की जंग हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन किसी एक को ही जीत मिलती है, उसी को वीर कहते हैं। अब वो जंग शुरू हो चुकी है। वीर कौन है और वो जंग किस मकसद से कर रहा है, आगे आगे तुमको सब समझ में आएगा। तब तक के लिए वेट एंड सी। यार ए, हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इस जंगल में आ गए तुम लोग? अरे जब लीड में हम हैं तो तुम्हारी पार्टी में आने की नौबत क्यों आएगी हमें? लीड में हम हैं बोलकर तुम सब लोग हमारी पार्टी में आ गए, देख लो कुछ अकल है कि नहीं। वाली लीड नहीं, जीतने वाली भी अपनी ही पार्टी है। रुक जाओ, क्या है ये इतना शोर कर रहे हो? आपस में लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। हमें कुछ भी बोलिए लेकिन हमारी पार्टी को कुछ मत बोलना, समझ गए? जरा सामने आओ और अपनी पार्टी की ताकत दिखाओ। सोच रहे हो जैसे जी में आ रहा चिल्ला रहे हो, अपनी मर्जी से आपस में लड़ रहे हो? ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये जंगल है। मेरा जंगल, मेरा जंगल, मेरा जंगल। यहां कोई स्पीकर नहीं होगा, माइक नहीं होगा, ना ही वॉकआउट होगा। हम सब हाईवे से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में हैं। बेटा तुम लोग नेशनलिस्ट हो, माओइस्ट हो, टेररिस्ट हो, कौन हो बेटा तुम लोग? वो सब कहां से पैदा हुए हैं? तुम जैसे लोगों की गलती से ही वो लोग पैदा हुए हैं। बेटा तेरी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं शुगर पेशेंट हूँ। टाइम पर खाके अगर मैंने दवा नहीं लिया तो मेरी बॉडी कांपने लग जाती है बेटा। तुम हेल्थ मिनिस्टर हो ना? हाँ बेटा। तुम्हारे पास बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी तुम्हें ये सब बीमारियां हैं, तो तुम पब्लिक का भला कैसे करोगे? बेटा हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पहले कुछ खाने के लिए तो दे दीजिए। ये क्या खाना है? ये तो जेल के खाने से भी बदतर है। क्यों रे? तेरी राशन की दुकान में यही चावल तो बिकता है, फिर वो लोग कैसे खाते होंगे, कभी सोचा है? बस बेटा बस, चावल खाने में कमी ही करनी चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा तो फिर इतनी जायदाद कैसे बना ली? उसमें भी तो कमी कर सकते थे, पर उसमें तो करोगे नहीं। देखो बेटा तुम्हारी बातें और करतूतें तो कमाल की हैं, लेकिन कमी है तो बस चेहरा नहीं दिखाया तुमने, जरा वो भी दिखा दो। तुझसे देखा नहीं जाएगा। बाप रे इतना डरावना है तुम्हारा चेहरा। तो फिर देखो। हाँ तो फिर दिखाओ ना। हमारी जिंदगी को लक्ष्य देता है ये महाविद्यालय, हमारे भविष्य को भी रचता है ये विद्यालय। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है, लेकिन युवा होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? देश के भविष्य से मुझे क्या करना है? ऐसा बोलकर हम खुद ही को स्वार्थी बनाते जा रहे हैं। मतलब हमारा पढ़ाई करना, नौकरी करना स्वार्थ है क्या? प्रॉब्लम पढ़ाई के बारे में, जॉब के बारे में नहीं है बेटा। तो फिर देश के भविष्य के बारे में ना सोचना ही प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हर 5 साल में हम वोटिंग करके नेता लोगों को चुनते हैं, ये सब काम तो उनका है। वही तो हम लोगों की गलती है, वोट देते हैं और भूल जाते हैं। एक स्टूडेंट की हैसियत से फैसला करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बेहतर समाज का निर्माण करने का सामर्थ्य आप में है। उन लोगों को खड़ा करके पूछने का हक भी आपको है। जब आप लोग ऐसा करेंगे तब स्वामी विवेकानंद की बात सच होगी कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। जाल खरीदने के लिए पैसे देंगे, नाव खरीदने के लिए लोन देंगे। तुमसे यही वादा इलेक्शन से पहले किया गया था ना, लेकिन अब सत्ता में आकर 4 साल होने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसको आप कब तक सहेंगे और कितने दिन भुगतेंगे? इन MLAs को जीतने दीजिए और सवाल कीजिए। साल की उम्र होने के बाद ही हमारे देश में मतदान का हक क्यों दिया जाता है जानते हो? ताकि हम एक सही नेता को चुन सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बिना सोचे समझे और उनसे पैसे लेकर वोट डाल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को आपके बच्चे और फिर उनके बच्चे, हर किसी को इसी तरह की परेशानी होगी। हमें अब बिना सोचे समझे और पैसे लेकर वोट डालने की इस प्रथा को खत्म करना ही होगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया
तो सबका नाश निश्चित है। आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएंगे कि वोट की जो ताकत है उससे सरकार बदल सकते हैं। स्टूडेंट सर, आजकल जनता के सामने समाज के बदलाव की बातें करते रहते हैं सर, आजकल ये फैशन हो गया है सर। ठीक है ठीक है, उसके भाषण की वजह से अपनी इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए सर। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, वो लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे सर। अपने किसी आदमी को बोलो इन पर जरा नजर बनाए रखे। ओके सर। दिल्ली से आते ही इनके बारे में कुछ करेंगे। क्या बताऊं बेटा, इस गांव की समस्या वैसे की वैसी ही है। हमारी समस्याओं को सुनने के लिए कोई वार्ड मेंबर नहीं आता है, सरपंच को तो दिखा ही नहीं, कॉर्पोरेटर काम नहीं करता, और एमएलए के लिए क्या बताऊं, 4 साल पहले हमने उनको जिताया, वो तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह, उनसे मिलने जाओ तो लात मार के भगा देते हैं। हाँ सर, हम बगल वाली स्टेट में गए थे ना। हाँ सर। तो ये यूएस गए थे, ऐसा फ्लेक्सी क्यों लगा है? हाँ सर। चलो लगे रहने दो सर, फोटो अच्छी है। लगाया किसने इसको? और कौन सर, वो स्टूडेंट्स ही हैं। इन पोस्टर्स को देखकर वो एमएलए पक्का रिएक्ट करेगा। रिएक्ट तो करेगा, पर कैसे रिएक्ट करेगा वो पता नहीं चल रहा। जैसा भी रिएक्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम आने दो, हम सबका सामना कर लेंगे साथ मिलकर। जैसा आपने सोचा वैसा नहीं होगा, शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हैं, पढ़ाई की है तो नौकरी अच्छी नौकरी कर लेते, ऐसे पेस्ट लगा के पोस्टर लगाने की गंदी हरकतें क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये पॉलिटिक्स के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं? ये एक दलदल है, एक बार इसमें उतर गए ना तो फिर इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, समझ गए ना? मतलब आपके नजर में वोटर की कोई वैल्यू नहीं? अरे बहुत सही कहा आपने, आपकी नजर में वोटर की बड़ी कीमत है, लेकिन हमें वोट की कीमत पता है। यही फर्क है आपकी और हमारी सोच में। एक बार वोट मिल गया ना, फिर वोटर को कौन पूछता है, 5 साल के लिए हम ही राजा, हम ही मंत्री। मतलब आपसे सवाल करने वाला कोई नहीं है क्या? अब तुम ही बताओ, जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं उनको सवाल पूछने का अधिकार है? अभी जो भी हो रहा है वो इलेक्शन नहीं है, कलेक्शन है। हम वोट कलेक्ट करेंगे, वो पैसे कलेक्ट करेंगे। एक एक वोट का 5,000, 1.5 लाख वोट है, मतलब 75 करोड़। उसके साथ दारू, बिरयानी, नाच गाना, पोस्टर, पब्लिसिटी, इनके अलावा हमारे नेता को मिलने वाले गिफ्ट्स, बाप रे, तकरीबन 150 से 200 करोड़ खर्च होता है। अब इस खर्चे को प्रॉफिट में बदलना है, 200 करोड़ का 1,000 करोड़ बनाना है। ये सब करने में ही 5 साल निकल जाएंगे, फिर जनता की सेवा करने का टाइम कहाँ रहेगा? वैसे वोट बेचने वाले की हम सेवा क्यों करें? उसको पूछने का हक नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना वोट बेच दिया है। इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ, सड़क छाप गुंडागर्दी से जिंदगी शुरू की थी, अब स्टेट मिनिस्टर हूँ, मुझे फिर से गुंडा बनने पर मजबूर मत करो। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, पिछली बार वोट के लिए 5,000 मांगे थे, इस बार 10,000 मांगेंगे, हमें इसके लिए तैयार रहना है। यहाँ वोट के लिए ही नहीं, सीट के लिए भी पैसे देने हैं। पार्टी हाईकमांड मेरी परवाह नहीं करेगी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरे रास्ते से हट जाइए। इसके बावजूद भी अगर किसी ने रोका तो तुम सबकी डेट ऑफ बर्थ तो अलग अलग है, लेकिन डेट ऑफ डेथ एक हो जाएगी, याद रखना। चलता हूँ। डार्लिंग, डार्लिंग, सब अच्छा ही हुआ है, टी स्टेट का एडवांस दे दिया है, अगले महीने इलेक्शन है, उसके बाद रजिस्ट्री होगी, ऊटी टी स्टेट की तुम ही मालकिन हो। तुम्हारा सर, देखो आपकी नजर में वोटर की बड़ी कीमत है, लेकिन हमें वोट की कीमत पता है। एक बार वोट मिल गया ना, फिर वोटर को कौन पूछता है, 5 साल के लिए हम ही राजा, हम ही मंत्री। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हम आपके सामने एमएलए कल्याण प्रसाद जी की बेईमानी का खुलासा करने वाले हैं। टीवी देखिए सर। जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं उनको सवाल पूछने का अधिकार है, अभी जो भी हो रहा है वो इलेक्शन नहीं है, कलेक्शन है। तो तुम सबकी डेट ऑफ बर्थ तो अलग अलग है, लेकिन डेट ऑफ डेथ एक हो जाएगी, याद रखना। खुद कल्याण प्रसाद जी के मुंह से ये बातें सुनने के बाद उन्हें मिनिस्टर के पद से ही नहीं बल्कि पार्टी के हाई कमांड ने उन्हें पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया है। आपको बिना बताए पद से निकाल दिया, ये तो नाइंसाफी है सर। क्या नाइंसाफी है रे हाँ?
मैं एक बड़ा बदमाश हूँ, ऐसा ही बोलकर इन्होंने वीडियो में मान लिया। सब लफंगे लोगों के ये बड़े नेता हैं। लो खाओ, सब ठूसो। और काम भी क्या है, खाना और सोते रहना, और बचा ही क्या है। बाप रे बाप, कितने सपने दिखाए थे। ऊटी में टी स्टेट लूंगा, कर्नाटक में कॉफी स्टेट लूंगा, अगली इलेक्शन में जीतूंगा तो मैं होम मिनिस्टर बनूंगा, तुम होम मिनिस्टर की बीवी बनोगी, बाद में सीएम और मैं सीएम की बीवी। क्यों जी, तुम तो मुझे सीएम की बीवी बनाना चाहते थे, तुम तो खुद ही सीएम नहीं बन पाए, अभी देखो नालायक की बीवी बनकर बैठी हूँ यहाँ पर। मैं सोच रही थी सीएम की बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखते क्या हो जी, बताओ ना क्या करना है। बहुत बोल चुके हो, आप जाओ। सर अपने लोग हैं, मछली पकड़ना सीख रहे हैं, गलती से आपके ऊपर गिर गया, आप जाइए सर। सॉरी सर, मछली पकड़ते समय समुंदर में सब मछलियां तो नहीं पकड़ सकते ना सर, हमारे हाथ में आई हुई मछली पकड़ेंगे, गलत मत समझिए, अब जाइए। किसने तुम सबको भेजा है? बता, जल्दी बता। इतना हैरान क्यों है? मरा हुआ आदमी तेरे सामने जिंदा कैसे खड़ा है, यही सोच रहा है ना तू? मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है, ना ही तेरे बाप से हो पाएगा। वोट देना हर एक का हक है, उसे पैसे देकर मत खरीदो। एमएलए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो लोगों की समस्याओं को सरकार के पास लेकर जाता है, बल्कि ये नहीं कि वो उस क्षेत्र का राजा बनकर बैठे, जस्ट एक कर्मचारी है। तुम सब कुछ भूल गए हो, इसलिए याद दिलाने के लिए पोस्टर्स लगाए, लेकिन तुम तो समझ ही नहीं पाए। अब तक तो तुम्हें ही बदलने के बारे में सोचा था, इस चुनाव क्षेत्र के एमएलए को बदलने के बारे में नहीं, लेकिन अब बदलूंगा। अगले इलेक्शन में चुनाव के लिए रेडी हो जाओ, अब की बार कलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा। वोट फॉर विनय, वोट फॉर विनय। इसका नाम विनय,
अब हमारे चुनाव क्षेत्र से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में कल्याण प्रसाद जी के सामने खड़ा हो रहा है। यही पैदा हुआ है, आपकी तकलीफें जानता है। पैसे देकर आपका वोट नहीं खरीदेगा, लेकिन आपके द्वारा डाले गए हर एक वोट को इंसाफ दिलाएगा। इसे जिताकर तुम सब जीतना चाहते हो, या फिर उस कल्याण प्रसाद को वोट डालकर अगले 5 साल के लिए गुलाम बनकर जीना चाहोगे, ये आपकी मर्जी है। भैया, अभी तक पैसे लेके वोट देते थे, लेकिन अब भले काम के लिए वोट देंगे हम। अभी तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारा साथ दे। आप खड़े हो भैया, इस बार हम वोट आप ही को देंगे। यहाँ आप लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं और वहाँ आपके सामने दूसरा लीडर खड़ा हो रहा है। देखो, पैसे लेकर वोट डालने वाली जनता के रहते हैं, इनकी परवाह नहीं करनी है। आपका बोया हुआ पेड़ आपको ही छांव देगा, आपका डाला हुआ वोट भविष्य का फैसला करेगा। अब किसे वोट देना है ये आप ही तय कीजिए। पंचर बना लो पंचर। क्या बाबू, गाड़ी पंचर क्या? हाँ भाई, जरा अर्जेंटली जाना है, आप पंचर बना दोगे? बनाऊंगा ना। ए, आगे जाके ये हमारे गांव का एमएलए बनेगा, पंचर थोड़ा खट से बना रे। तुम्हारे रोज जाने वाले रास्ते में अचानक तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई है, फर्क नहीं दिख रहा है क्या? उसके साथ जैसे गाड़ी पंक्चर हुई तभी पंक्चर वालों का हाजिर होना अजीब नहीं लग रहा है? वैसे तो इलेक्शन में खड़े होना भी अजीब बात है। आप तो एमएलए बन जाएंगे, असेंबली में चले जाएंगे, अपन तो इधर ही रह जाएगा ना। हम तो गुंडागर्दी ही करेंगे, और करेंगे भी तो क्या होगा, मारना, काटना, जलाना और बलात्कार करना। हम किसको मारेंगे किसको काटेंगे जानते हैं? तेरे दोस्तों को। तेरे दोस्त सूर्या को बहुत बुरी मौत मारेंगे। बाद में बचेगा कौन जानते हैं आप? आपके साथ घूमती है ना वो गोरी गोरी लड़कियाँ, जैसे चाहे मजे करेंगे, अय्याशी करके मुंबई रेड लाइट एरिया में जाके बेच देंगे उनको, सोच लेना। चलो रे। आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग गुस्सा मत होना। तो फिर तुम वो बात ही क्यों कर रहे हो जिससे गुस्सा है? अरे वो बात नहीं है। अरे तो अब बता भी दो ना। मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। What? ए, सच सच बताओ, क्या तुम्हें किसी ने डराया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा बस। ए, तेरी आंखों में मुझे डर दिख रहा है, क्या बात है बोल। हाँ यार, मैं डर रहा हूँ, तो अब क्या करूँ? अगर जान का डर था तो इस इलेक्शन में खड़ा होने के लिए तैयार क्यों हुआ? कल ही नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, कल 3 बजे हमारा ऑफिस के पास, हम सब तेरा वेट करेंगे। तू कल आ रहा है और नॉमिनेशन भी डालेगा, उल्टा सीधा बोलेगा तो इन सब के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे मारकर समुंदर में फेंक दूंगा, याद रखना, कल शाम को 3 बजे हमारा ऑफिस। ए चलो रे। अपने आप को समझता क्या है वो? फोन इज नॉट रीचेबल, मैसेज भी नहीं जा रहा। संभाल के रखना, बात के कार्यक्रम में काम आएंगे। नमस्कार वोटर महाराज, आपके अनमोल वोट आप मुझे ही देंगे, देंगे ना? आप ही देंगे। अच्छा, मुहूर्त निकलने से पहले नॉमिनेशन करके आता हूँ। नमस्ते। विनय को फिर से कॉल करो, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। छोटे भाई, आपका कैंडिडेट अभी तक नहीं आया ना? राहु काल शुरू हो चुका है। आह,
हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। हमें चलो बताते हैं। सर ये सब क्या हो रहा है? सर हो रहा है नहीं, जो हुआ है वो बता रहा हूं। पकड़ इसे। छोटे भाई से कुछ बात करनी है। ओके सर। छोटे भाई, खुद को ही अकलमंद समझते हो? तुम्हारे रेंज की नहीं है, फिर भी मेरी थोड़ी सी अकल है। तुम्हारे इस्तेमाल किए हथियार को मैंने भी यूज किया, सोशल मीडिया। कल ही नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, तू कल आ रहा है और नॉमिनेशन भी डालेगा। उल्टा सीधा बोलेगा तो, लेकिन मैं तुझे मारकर समुंदर में फेंक दूंगा। छोटे भाई, पॉलिटिक्स मतलब एक ऐसा समंदर जिस पे सफर के लिए शिप चाहिए या तो फिर बोट। तुमने खाली हाथ तैरना चाहा तो बीच समंदर में डूब जाओगे। तेरे जैसे नालायक को ही बोट और शिप की जरूरत पड़ती है। मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुझे पीछा करके शिकार करके पकड़ूंगा, क्योंकि मैं एक शार्क हूँ, समझा? वो सही में शार्क निकला। पीछा किया, शिकार किया और अब क्या करेगा? ए, चलो यहाँ से। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। निकलो। हाँ चलो जल्दी चलो। कुछ भी कहो यार, मौसम तो बहुत लाजवाब लग रहा है। पेट में बहुत गड़बड़ है, लगता इधर ही बैठ के आ जाएगी। भाई इस उम्र में भी तू टाइम पे हल्का हो जाता है, मतलब तेरा हेल्थ तो एकदम सुपर है मेरे भाई। मेरा पेट गड़बड़ चल रहा है यार। के मारे मर रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग गोली चला रहे हो। ए, तेरी गोली से हम लोग डरने वाले नहीं है, समझा? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। पागल हो गया क्या? कोई अपना लीज खुला छोड़ के नहाता क्या? मैं तो डर ही गया। मेरे लीज पे बुरी नजर डालता है, घर में बाप भाई है कि नहीं? अभी भी तेरा लीज जीत रही है, एनाकोंडा नहीं बना पाया। ए, तुम लोगों को लीच और एनाकोंडा में फर्क नहीं समझता है क्या? लीच हो या एनाकोंडा हो, बीन बजाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे इस जगह में बीन भी नहीं देता है, ठीक से हल्का भी नहीं होने दिया, गोलियां पे गोलियां चलाया जा रहा है, ये क्या हाल हो गया हमारा? एक नहीं दो नहीं, पूरे 120 एमएलएस को प्री प्लान तरीके से किडनैप करके ले गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये सब मैंने किया है, ये बात अगर जनता या मीडिया को पता लगी तो इतने साल की मेहनत से बना मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, ये हम पर छोड़ दीजिए। किडनैपर्स से सारे एमएलएस को कैसे सुरक्षित लाना है ये मुझ पर छोड़ दीजिए। किरण सर, ध्रुवा कहाँ है पता करो और तुरंत मेरे ऑफिस में आने के लिए कहो, तुरंत। ओके सर। मैं चलता हूँ सर।
मुझे तो डर लग रहा है बेटा। क्या है? आपके बारे में सब कुछ पता चल गया बेटा। सच में ना इंसाफी हुई है। मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन गलती तो उसने की है। फिर हम लोगों को यहाँ लेकर क्यों आए हो बेटा? चाहिए तो उसको अकेले रख लो और हम लोगों को छोड़ दो बेटा। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उससे पहले मैं तुम सबसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम सबको आज ही छोड़ दूंगा। पहला सवाल, आप में से सनी लियोन को कितने लोग जानते हैं? क्यों नहीं जानते सर, वो तो मेरी पसंदीदा फिल्म स्टार है। उसे देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती, समझे? दूसरा सवाल, पूजा हेगड़े को कितने लोग जानते हैं? पूजा हेगड़े का मैं बहुत बड़ा फैन हूं बेटा। एक चुमा, एक चुमा, एक चुमा। बेटा एक दूसरा गाना सुनाता हूँ, सुनो तुम। तीसरा सवाल, नारायण स्वामी को कितने लोग जानते हैं? भाई नारायण स्वामी ना, उनका व्रत मैं हमेशा रखता हूँ। तुम सनी लियोन को जानते हो? पूजा हेगड़े ने कितने एक्टर्स के साथ डांस किया ये भी जानते हो? लेकिन जनता के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने वाले नारायण स्वामी को नहीं जानते। कौन है बेटा वो? कोई देवता है क्या? हाँ, देवता ही है, लेकिन मंदिर में रहने वाला देवता नहीं, जनता के दिल में रहने वाला देवता नारायण स्वामी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, नमस्ते। ये क्या किया बहन जी? क्या देख के पता नहीं चल रहा कचरा है? हाँ वो तो पता चल रहा है, लेकिन कचरे की सही जगह तो कूड़ेदान होती है ना, तो आपने ये कचरा कूड़ेदान में डालने की बजाय यहाँ सड़क पर क्यों फेंक दिया? हमेशा कूड़ेदान में ही डालती हूँ, आज ही जस्ट मिस हो गया। वो अच्छा, अंग्रेजी बोलना जानती हो लेकिन ये नहीं जानती कि कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये सब करने से ही बीमारियां फैल रही हैं और इंसान बीमार होते जा रहे हैं। जरा उधर देखिए, कूड़ेदान में पूरा कचरा भरा हुआ है। उसे निकालने वाला म्युनिसिपैलिटी से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। एक हफ्ते से बोल रहे हैं कि आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और तुम कह रहे हो कि मेरे कचरा फेंकने से बीमारी आ जाएगी? कल से यहाँ पर मत करना। सिर्फ कल ही नहीं करूँगा, परसों भी और आगे भी यही पे करता रहूँगा। क्या हुआ, क्यों नहीं पेशाब किया? तुम अच्छे लड़के हो इसीलिए नहीं कर पाए। ये एक बीज है, ऐसे क्या देख रहे हो? इसको फेंक दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर इसे बो दोगे तो उसी मिट्टी को फाड़ कर ये जल्द ही पौधा बन जाएगा। तुम इस बीज जैसे ही हो बेटा, ये बीज एक बड़ा वृक्ष बनेगा, खाने को फल देगा, अगर नहीं भी दे पाया तो कम से कम 10 लोगों को छांव देगा, बारिश लाएगा। अगर तुम इसे बो दोगे तो ये बीज बड़ा होके तुम्हारे बाद भी तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अब इसे बोना है या फेंक देना है तुम्हारी मर्जी है।
यहाँ इतनी सफाई है, यहाँ सुसु क्यों कर रहा है? वहाँ पब्लिक टॉयलेट है, उधर जाके सुसु करना। अरे वहाँ जाके हल्का होने का 2 रुपए लेते रे, पीने का पानी 1 रुपए है रे, और हल्का होने के लिए 2 रुपए कहाँ से लाऊं मैं? ए, चलो जाओ यहाँ से। बेटा, राष्ट्रीय झंडे को उल्टा नहीं लगाते, गलत बात। राष्ट्रीय झंडे को ऐसे लगाते हैं, ऊपर केसरी, नीचे हरा। इंस्पेक्टर साहब, आप इस पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते, इसको कल आपको कोर्ट में हाजिर करना चाहिए। उसकी दारू की दुकान बंद करा के आपने हमारे लिए अच्छा काम किया है साहब। सच में आप जैसे लोग नेता बनेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे साहब। उस दिन जनता ने नारायण स्वामी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जिताया था। जनता से इतना प्यार पाने के बाद उनके सुख दुख जानने के लिए वो हर एक चौखट पर गए। तभी उनको पता चला कि उनके क्षेत्र से गुजर रही गोदावरी नदी का पानी ना तो जनता को सिंचाई के लिए और ना ही पीने के लिए मिल रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। उस चुनाव क्षेत्र की रेडियस कितनी है, वहाँ के भौगोलिक हालात क्या है, वहाँ के मौसम से कितनी बुआई करनी पड़ेगी जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिले, ऐसे बहुत सारे समस्याओं पर एक किताब ही लिखकर जनता के बीच में गए और उनसे बात की। सच कहूँ तो आज मैं नहीं जीता, बल्कि मुझे जिताकर आप सब ने लोकतंत्र को जिताया है। इस बदलाव से देश की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी। मेरे हाथ में जो किताब देख रहे हैं, इसमें हमारे चुनाव क्षेत्र की कमियों, आप सभी की जरूरतों और उनको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, इसमें मैंने ये सब लिखा है। आज से ये हमारे चुनाव क्षेत्र का संविधान है। मैं असेंबली में खड़े होकर आपकी इन सभी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। मैं आने वाले 5 सालों में हमारे चुनाव क्षेत्र की गतिविधियां बदलने के लिए भरी असेंबली में पूरी सच्चाई के साथ लड़ूंगा और ये मेरा आप सबसे वादा है। स्पीकर महोदय, ये हमारे चुनाव क्षेत्र की समस्याओं की किताब है। अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं उन सभी समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई कॉमेडी की है क्या? नहीं ना, हंसना बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि असेंबली में आए हैं, किताब लेकर स्कूल में पढ़ने आए हैं ऐसा लगता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, इसमें हमारे चुनाव क्षेत्र की समस्याएं लिखी हैं। साइलेंस, साइलेंस। स्पीकर महोदय ने साइलेंस बोला, आप फिर भी हंस रहे हैं? चुप हो जाइए। ये क्या स्पीकर महोदय, ये तो आपकी भी नहीं सुन रहे। द हाउस इज एडजर्न्ड टुमारो एट 8 AM। चलो यार। चलो, चलो, चलो। रेड्डी जी, आज का अधिवेशन आपसे शुरू करते हैं।
अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार की भ्रष्टाचार की वजह से पूरे राज्य का सर्वनाश हो गया है सर। क्यों सर्वनाश हुआ है उसकी वजह बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। प्रचार तो राम राज्य का हो रहा था, लेकिन राज्य में राक्षस राज्य हो गया है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस तरह बात करनी पड़ रही है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी सरकार को राक्षस की सरकार बोल रहे हो? मुंह पे जुबान है तो क्या कुछ भी बोलोगे भास्कर रेड्डी? आगे के 5 साल तुम सत्ता में कैसे रहोगे ये मैं भी देखूंगा। ए, तुम क्या देखोगे? मुंह बंद करके बैठो, नहीं बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। क्या कर लोगे तुम? मैं क्या करूंगा? हमारी मेजोरिटी कितनी है पता है ना? 100 लोग हैं। अगर हम चाहेंगे तो तुम में से एक भी असेंबली को छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, कुरुक्षेत्र में कौरव भी 100 ही थे, याद है ना? लेकिन अंत में क्या हश्र हुआ उनका? हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। बहुत बोल चुके हो तुम, अब बैठ जाओ। तुम कौन होते हो हमें बिठाने वाले? तेरे सामने ही बोल रहा हूँ, अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो असेंबली छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो, नहीं जा पाएंगे? मतलब मारोगे हमें? दम है तो आ जाना, देखते हैं। ये क्या रे, हम लोग कुछ बोलते नहीं इसलिए सर पे चढ़ गए? ए, तब से तुम ही हमें उकसा रहे हो। हमें उकसाएगा और हम भड़केंगे भी नहीं। हम क्या घूंघट ओढ़ के बैठे हैं? हिम्मत है तो हमको रोक के दिखा। जोश देखना है तो फिर आ जाओ, इधर का इधर ही फैसला कर देते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं तो आ जाओ। भास्कर रेड्डी जी, मैंने साइलेंस बोला ना, कंट्रोल रखिए साइलेंस। महोदय, आज इस सभा में मैं इन सभी के सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। प्रोसीड। महोदय, यहाँ बैठे सभी लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने वोट दी इसीलिए ये जीते। वोट देने वाली उस जनता के बारे में कोई बात ना करके इस सभा में एक दूसरे को कोसना, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है साहब। देखा जाए तो ये बेशर्मी है। अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जनता ने आंख बंद करके वोट डालकर हमें नहीं चुना है। अध्यक्ष महोदय, इनकी मजाल तो देखिए, हमें बेशर्म बोलता है। इस बात के ऊपर तो नारायण स्वामी जी को तुरंत हमसे यहाँ क्षमा मांगनी चाहिए, अभी के अभी। भास्कर रेड्डी जी, अरे मैंने तो लोकतंत्र की बेशर्मी बोला था, आपको बेशर्म नहीं बोला। देखिए, इन क्षमाओं और झगड़े से सभा के समय को बर्बाद करने की बजाय हमें मिलकर जनता की जरूरतों और समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब हम यहाँ झगड़ा करने आए हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री और हमें जनता का पालन कैसे करना है तुम बताओगे? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर आए सारे नेताओं से नारायण स्वामी जी को क्षमा अभी के अभी मांगनी ही होगी। उनके बर्ताव से तुम क्यों दुखी हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा साहब, एक बार फिर आपको बोलने का मौका जरूर मिलेगा साहब। गूंगे को माइक पकड़ा देंगे तो कुछ फायदा थोड़ा ही होगा, जितने भी मौका देंगे होने वाला कुछ नहीं है। सोच समझ के तो बात ही नहीं कर पाता है ये। ए गोलू, क्या बात कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? मुंह बंद करके यहाँ से निकल जा, जा। उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा साहब। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा सुबैया, तुम उसकी बातों में गुस्सा देख रहे हो और मैं उन बातों के पीछे छिपी वजह। महोदय, हमारे चुनाव क्षेत्र में सारे संसाधन हैं, लेकिन उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है हमारे लोग ये ना जानने की वजह से पीछे रह गए हैं। इस बारे में सरकारी पार्टी को कई बार विनती करने के बाद भी वो लोग फंड्स अलॉट नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे चुनाव क्षेत्र की जनता हम पर भरोसा कैसे करेगी? बोलिए महोदय। नारायण स्वामी जी, आपके चुनाव क्षेत्र की जनता की समस्या के बारे में अगली बैठक में जरूर चर्चा करेंगे, अब बैठ जाइए। स्पीकर महोदय, अभी तो मैंने बस अपनी बात रखनी शुरू ही की है और आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं। नारायण स्वामी जी, प्लीज आप बैठ जाइए। श्रीनिवास जी, आप बात कीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस सभा में सभी को बोलने का अधिकार है, मुझे अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करने दीजिए। प्लीज नारायण स्वामी जी, आप बैठ जाइए। कम से कम मुझे 10 मिनट तो बोलने दीजिए महोदय, विनती है। श्रीनिवास जी, आप अपनी बात रखिए। स्पीकर साहब, सीएम के राज में राज की हालत देखेंगे तो द्वापर युग का मानो राम राज्य वापस आ गया हो महोदय। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं जनता जनार्दन बोल रही है महोदय। स्पीकर साहब, राम ने राज किया त्रेता युग में, द्वापर युग पाला है श्री कृष्ण जी ने। पहले इतिहास को जान लें फिर बात करें।
बोला था ना, गूंगे को माइक थमा देने से कुछ नहीं होने वाला, देख लिया? नेता तो ऐसा होना चाहिए जिसके सदन में बोलने से सब थर थर कांपे, सबकी धज्जियां उड़े, जरूरत पड़े तो वो लड़ने पे आ जाए। ये सारे गुण होते हैं सदन के नेता के, पर हमारे इस नेता को देखो, इनमें एक भी ऐसा गुण नहीं है। हम सभी लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके आपको इलेक्शन जितवाया था, किस लिए? ताकि हम सब लोग बेरोजगार बैठे रहे, कुछ ना करें। लेकिन आपको देख के तो लगता नहीं है कि आप हमारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। ऐसा बोल रहा हूँ बोल के कुछ गलत मत समझिए, असेंबली में गला फाड़ के चिल्ला के बात करने वाले को ही नेता बोलते हैं। एक जुझारू नेता ही हमारी समस्या को सुलझा सकते हैं। एक सलाह देता हूँ, एमएलए पद से ना आज ही इस्तीफा दे दो। भद्राचल के चुनाव क्षेत्र के एमएलए नारायण स्वामी जी को बात करने के लिए अनुमति देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे चुनाव क्षेत्र के चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन एक घूंट भी पीने लायक नहीं है महोदय। वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत खराब है महोदय, जरा उनके बारे में कुछ सोचिए। और सिर्फ एक यही समस्या नहीं है साहब, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, मैं तो कहता हूँ पूरा क्षेत्र समस्याओं ही समस्याओं से भरा है महोदय। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी के चुनाव क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ जनता को ही सारी समस्याएं हो रही है, लेकिन इनके राज्य में सरकार बनाने वाली पार्टी के गुंडों की वजह से वहाँ की जनता की जान जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सत्ता इनके हाथ में है और पैसे बनाना ही इनकी पार्टी का मकसद है। दरअसल सत्ता में रहकर इन्हें अपनी दारू की दुकानें चलानी है और सारा इल्जाम हम पे थोपना है। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ दारू की दुकान ही चला रहे हैं साहब। ये विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तब सीधा ब्रोथेल हाउस ही चला रहे थे। ये सही कह रहा हूँ मैं? जरा उनको देखिए, बोलते कुछ है करते कुछ और है। कितना गिरा हुआ आदमी है ये अध्यक्ष महोदय। साइलेंस साइलेंस, मैंने क्या गलत कह दिया अध्यक्ष महोदय? ये रमा देवी कौन है, क्या चरित्र है इनका? एक जमाने में रेड लाइट एरिया में उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं सब जानते हैं। अरे ये संसद है या फिर कुरुक्षेत्र है? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। सरकारी पार्टी को जवाब देना है, विपक्ष की पार्टी को सवाल करना है। आप सब देखिए क्या कर रहे हैं। क्या इसीलिए जनता आप लोगों को जिता के यहाँ तक भेजती है? जनता को बदलना है, जनता बदलनी चाहिए, तब से यही सब चिल्ला रहे हैं। 5 करोड़ की जनता में से सिर्फ 299 लोग ही यहाँ आए हैं। मतलब बदलना जनता को नहीं है बल्कि हमें बदलना चाहिए। हमारे ऊपर भरोसा करके हमको वोट देके जिताने वाली जनता के लिए हमें कोई लड़ाई या जंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं की चर्चा करके उनकी जरूरतों को पूरा कर दे, यही बात है। लेकिन तुम लोग देखो क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदों के बारे में सोच रहे हो और भोली भाली जनता को धोखा दे रहे हो। ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने मार खाई और मेरा कुर्ता फट गया। ये एक बहुत ही पवित्र और महापुरुषों की जगह है, ये संसद भवन है। देखा जाए तो यहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ साहसी, सच्चाई का साथ देने वाले ईमानदार लोग ही आने चाहिए। जब ऐसे लोग इस संसद भवन में आने शुरू होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी इस राज्य और देश का भला हो सकता है। उदास क्यों हो आप? मैं हार गया। जनता से वादा करके उसे ना निभाने वाला नालायक बन गया मैं। क्या हो गया अंकल, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सत्ता में आते ही हम कुछ भी कर सकते हैं सोचने वाले नेताओं को बदलना होगा।
जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा यह समाज कभी नहीं बदलेगा। ऐसा है तो मैं उनको बदलूंगा अंकल। क्या कहा, तुम बदलोगे? हाँ अंकल, मैं बदलूंगा। तो ठीक है, चलो मुझसे ये वादा करो। मैं वादा करता हूँ अंकल, उन सब को मैं सच में बदल दूंगा। बदलना है तुमको ही, बदलना है तुम ही बदलोगे। किसी ने क्या किया उससे हमारा क्या लेना देना? हम लोग जनता की सेवा करने वाले हैं, हमें यहाँ बुलाकर तकलीफ देना ठीक बात नहीं है। जनता की सेवा? क्या जनता की सेवा करते हैं आप लोग, एक एक करके बताइए। हर महीने बुजुर्गों को राशन मिल रहा है, और यही नहीं अपाहिजों को हर महीने पेंशन दिया जा रहा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये सब सेवा नहीं है क्या? जनता की सेवा करने का मतलब टाइम पर राशन का चावल और दाल देना है क्या? नहीं ना, 20 साल के लड़के को बेरोजगारी भत्ता क्यों देना, वो मेहनत नहीं करेगा क्या? 2 एकड़ जमीन वाले किसान को राशन क्यों देना, वो फसल उगा नहीं सकता क्या? आप लोगों की मेहनत करने की काबिलियत को मारकर उनकी पैदावार करने की क्षमता को बुरी तरह कुचल रहे हैं। जिस दिन आप लोग जनता को मुफ्त की चीजें देने के बजाय उनको ये बताएंगे कि मेहनत करना ही बेहतर है, उसी दिन आप लोग जनता की सच्ची सेवा कर पाएंगे सर। मतलब हम पर बिना यकीन के जनता हमको जिता रही है। आपका नाम मारुति राव है ना? हाँ हाँ। आपका चुनाव क्षेत्र रामापुरम है ना? सही कहा, रामापुरम ही है। आपके रामापुरम के बारे में आप क्या जानते हैं थोड़ा बताएंगे सर? क्या रखा है रामापुरम में, 4-4 वार्ड है, 6 सरकारी अस्पताल है और 20 प्राइवेट अस्पताल है, उसके बाद 12 सिनेमाघर और 130 वाइन शॉप है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं। बाकी ओसी कास्ट तो सब कुछ मिला जुला के 1 लाख, इनके अलावा BC SC ST ये सब मिला के 2 लाख वोटर हैं। उतना ही नहीं, फिल्म डायरेक्टर सुकुमार जी और हीरोइन अंजलि जी दोनों यही पैदा हुए थे। कुंडली निकालोगे क्या? नाइस इन्फॉर्मेशन सर। उसी रामापुरम में जहाँ हजारों किसान रहते थे, अब कुछ गिनती के ही क्यों रह गए हैं सर? मुझे नहीं मालूम, किसानों के बारे में हम इतना कुछ नहीं जानते, तुम बोलो तुम्हें मालूम है तो। रामापुरम की पूरी वोटरों की गिनती है 4,80,000, उनमें पुरुष है 2,50,000, स्त्रियां हैं 2,28,000, बाकी लोग हैं थर्ड जेंडर। वहाँ बारिश और पानी की सुविधा ज्यादा होने के कारण धान और गन्ना जैसे फसलों के लिए वो जमीन अनुकूल है। अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। रामापुरम मेन सेंटर में एक बड़ी डंपिंग यार्ड है और वहाँ के रोड्स के बारे में हम आपको जितना कम बताएं उतना ही अच्छा है। ये सरकारी पार्टी की MLA है, आपकी पूछताछ सही है, लेकिन हम तो विपक्ष के हैं ना, हमें इनके साथ क्यों उठा के लाए? एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, लेकिन आवाज उठाने के लिए असेंबली तो है ना, समस्याओं पर वहाँ क्यों नहीं बात करते? जनता ने वोट देकर आपको असेंबली इसलिए भेजा क्योंकि उनको यकीन था कि उनकी कुछ भलाई होगी, लेकिन पेट्रोल के बढ़ते रेट की आपको परवाह नहीं, बढ़ते ब्याज की आप बात ही नहीं करते, किसानों की आत्महत्या आप लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। बदलना है, अपने सोचने का ढंग बदलना है, हमारे बर्ताव का तरीका बदलना है। हमें बदलने को बोल रहे हो ठीक है, जनता की क्या बात है, वो नोट लेके वोट नहीं दे रहे क्या हमें, उनको क्या बोलोगे? पैसे लेकर वोट डालना आखिर जनता को सिखाया किसने? आप जैसे नेताओं ने ही ना। वोट पर नोट की आशा रखने वाले ही नहीं है, वोट का इंसाफ चाहने वाले लोग भी हैं। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। तो फिर ये पोस्टर क्यों चिपकाया है? नारायण के लिए इतना भी नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? नारायण जी से आपको इतना लगाव किस लिए? वो हमारी तकलीफों को समझता है, वो सत्ता में आएगा तो बहुत लोगों को काम मिलेगा, हमारे गांव की तरक्की होगी। इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, अगर उसने वादा कर दिया तो करके ही दिखाएगा।
जब हमारे एमएलए चिनकोटा जी को अरेस्ट किया गया था, मेरे पति ने उनको छुड़ाने के लिए धरने पर पेट्रोल से खुद को जला लिया था। तो चिनकोटा जी ने क्या किया था? वे बोले थे कि सरकार में आते ही बात करके पैसा दिलाएंगे। मिला क्या? उन्होंने जबान दिया था, वादा तो वादा ही होता है ना। आपके दिए गए वादे जनता के सामने सिर्फ कहानियां बनकर रह गई हैं। कम से कम अब तो बदल जाइए, पार्टी बदलने के एजेंडा जैसे नहीं, जनता की तकदीरें बदलने वाले एजेंडा बन जाइए। अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरोगे और ऐसा ही करते रहोगे तो यहां से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सूर्या, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। मेरी बात मानो, सबको मार डालो। अरे रुको भाई, रुको। ब्रदर, अगर आपको मारना है तो हमें मार दीजिए, लेकिन मरने से पहले हम सब बदलना चाहते हैं, हमको एक चांस तो दीजिए। इतने दिन जनता के पैसे कैसे लूटना है यही सोचते थे, अब एक मौका दे दो हमें, जनता के पैसे को जनता तक लौटाना है यही सोचेंगे अब। उस नारायण स्वामी के सपनों को हम सच करके दिखाएंगे। उसका नाम है सूर्या। ऑलरेडी एक मर्डर केस में वो सजा काट रहा है। सत्ताधारी पार्टी की सपोर्ट से वो जेल से बाहर निकला है। बहुत शातिर है वो। बड़ी होशियारी से वो दोनों पार्टियों के एमएलए को किडनैप करके लेके गया है। उसका प्लान क्या है, उसने क्यों किडनैप किया है, उसके सिवा और किसी को पता नहीं है। समझ गया सर, वो जहाँ भी है सब एमएलए को सेफली लाने की जिम्मेदारी मेरी। इनको मार के एमएलएस को लेकर जल्दी आ रहे है। कौन आता है देखता हूँ। रुक जाओ। लगता है हमारे आने की खबर उनको पहले ही लग गई। What? हाँ सर, जब तक हम पहुंचे वो सब एमएलए को लेकर यहाँ से चला गया। तो अब क्या होगा? आज शक्ति परीक्षण है, आज अगर एमएलए को नहीं ला पाएंगे तो स्टेट पे एक बड़ा इशू बन जाएगा। तुम किसी भी कीमत पर उन एमएलए को यहाँ ले आओ। ओके सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये लीजिए मैडम फाइल, सबके दस्तखत है। हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले एमएलए की लिस्ट सर। गो अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बिना झगड़ा किए ऐसे अच्छे वातावरण में
जनता की भलाई के लिए और उनकी उन्नति के लिए एक उपयोगी बिल को इस सभा में प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए विपक्ष पार्टी के नेता राम मोहन राव जी का और उनकी पार्टी का मैं अभिवादन करती हूँ। आम जनता को भी बेहतरीन इलाज मिल सके, फिर चाहे वो 10 रुपए का हो या फिर 10 लाख का, उनको मिलना चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आप सबके समक्ष इस फाइल पर मैं सबसे पहले दस्तखत करती हूँ।